ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। नमस्कार, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं आज हूँ बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। वाराणसी की बदली हुई तस्वीर आपने बहुत जगह देखी होगी, लेकिन इतनी डिटेल में और इतनी सारी बातों के साथ आज पहली बार आपको दिखा रहे हैं। बाबा के मंदिर को अब बदला जा रहा है। जिन सकरी गलियों से होते हुए आप पहले मंदिर पर आते थे, अब वो पूरी तरह से 57,000 स्क्वायर मीटर इलाके का बन चुका है। यानी कि इतना बड़ा प्रांगण है जो आपको चारों ओर देखते ही बनता है। और एक ही नहीं, कई मंदिर हो गए हैं। यानी कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर सबसे प्रथम, सर्वोत्तम, और ध्वज जो करीब 60 फुट ऊंचा है, वो अभी भी इस पूरे प्रांगण और इस पूरे इलाके का सबसे ऊंचा ध्वज है। ये खासियत है इस मंदिर की, जिसे अब एकदम नवीन अंदाज में पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं और उन्होंने वादा किया था कि इलाके और शहर की तस्वीर बदलेंगे, और उसमें सबसे बड़ा ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम, जिसे आप कह सकते हैं, अब नए अंदाज में तैयार है 13 दिसंबर को सबके सामने। लेकिन पहली और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इस चैनल पर दिखा रहे हैं मंदिर में। यानी कि अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये है भुवनेश्वर जी का मंदिर। भुवनेश्वर जी का मंदिर के साथ साथ दूसरा मंदिर आता है तारकेश्वर जी का मंदिर। तारकेश्वर जी का मंदिर जो पहले बगल बगल थे, दिखते ही नहीं थे, लेकिन अब दिख रहे हैं। उसके बाद आता है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ में बम बम है। और उसके बाद आता है दूसरा मंदिर, यानी कि वैकुंठ मंदिर। वैकुंठ जी के मंदिर के बाद है दंडपानी जी, जो दंड देते हैं अगर आपने कुछ गलती की तो। बाबा के मंदिर में आरती पूजन अर्चन कैसे चलता है वो आपको दिखाते हैं। अंदर की तस्वीरें दिखाना मना है। ये हम आपको तारकेश्वर जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, नमस्कार करके आप भी ध्यान कर सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले पूजन अर्चन किया है। आज तो बहुत अद्भुत अनुभव रहा है, क्योंकि आज गंगा घाट से, यानी कि जो आपको घाट पहले दिखता नहीं था, मैं उस गंगा घाट से जल लेकर कमंडल में आई हूँ, बाबा पर चढ़ाया है। और बाबा पर चढ़ाने का अनुभव, अनुभूति अद्भुत होती है। ये जो पीछे आप पूरा प्रांगण देख रहे हैं, ये अब बदल गया है। पहले यहाँ करीब 400 घर हुआ करते थे। इन 400 घर को तोड़कर 57,000 स्क्वायर फीट इलाके में, यानी कि मंदिर से लेकर आपको सीधे दिखाई देगी अब गंगा मैया। 350 मीटर का ये डिस्टेंस हो जाएगा, जो कभी किलोमीटर दर किलोमीटर हुआ करता था। और किलोमीटर के किलोमीटर आपको चलकर आना पड़ता था, घाटों से होते हुए, घूमते हुए, गलियों से होते हुए। लेकिन एक तस्वीर आपको बड़ी ज़रूरी है दिखाना। ये प्रांगण तो बदल ही गया है, सैकड़ों इसमें खंभे लग गए हैं, गुंबद लग गए हैं। और उसके साथ एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरा प्रांगण है, इसके आगे अभी बहुत काम चल रहा है। 300 मीटर के इस काम में इतनी सारी परिवर्तन कर दिए गए हैं। यानी कि अब आपको मंदिर से थोड़ा सा बाहर जाते ही, भव्य दरवाजे से जाते ही आपको दिखेगा, पहले माँ गंगा का दर्शन होगा, उसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर, यानी कि टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। उसके साथ रहने के लिए जगह करीब 18 गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ यूटिलिटी सेंटर्स बनाए गए हैं। और यूटिलिटी सेंटर के अलावा यहाँ पर आने वालों के लिए गैलरी, म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, वो सारी तस्वीरें जो अब तक आपने किताबों में, पन्नों में पलट पलट के देखी हैं, लेकिन अब ये बदलती तस्वीर के साथ है। आपको हम नक्काशी का काम दिखाएं, इतनी महीन नक्काशी की गई है और ध्यान रखा गया है। देखिए ऊपर से पानी निकालने के लिए नालियाँ भी जो बनी हैं, उसको भी गौमुख जैसा या फिर सिंहमुख जैसा रखा गया है। इतनी खूबसूरत कसीदाकारी है कि अगर ऊपर पानी जमेगा तो वो दिखाया जाएगा। और ये युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, करीब 1,000 करोड़ से ज़्यादा के इस प्रोजेक्ट में। वाराणसी की नई तस्वीर है। बाबा के दर्शन करने के लिए अभी तक ये माना जाता था कि जो 10 किलोमीटर का घेरा है, यानी कि 10 किलोमीटर के घाट हैं वाराणसी के, वहाँ पर जब माँ गंगा के ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, वो देखते ही बनती है। माँ गंगा यहीं पर चंद्रमा के पूरे स्वरूप में काशी के घाट पर अपना अपनी खूबसूरती, अपना समर्पण माँ, यानी कि बाबा के मंदिर के सामने समर्पित रखती हैं। बाबा के ही जटा से निकलती हैं। और आप ध्यान रखिए कि काशी में ही ये खासियत है, काशी की अनुभूति अलग है। काशी का पूरा जो यहाँ की अनुभूति है, वो पूरी तरह से अलग हो जाती है। इस नए मंदिर को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, क्या क्या बदला है? पहले इतने वर्षों से हैं यहाँ पर, पहले यहाँ का जो बाबा के आसपास के जो क्षेत्र थे बहुत कंजेस्टेड था। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बहुत ही सुंदर भव्य बन गया है। हम लोग यहाँ पंडा समाज की तरफ से पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, कितना सुंदर भव्य
कॉरिडोर का विश्वनाथ धाम का निर्माण उन्होंने करवाया और भव्यता यहाँ पे बढ़ गई है और बाबा विश्वनाथ जी की कृपा माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर सदैव बनी रहे। जो ध्वज है इसकी खासियत क्या है, अंदर दर्शन की खासियत क्या है? पहले मंदिर और गंगा एक साथ नहीं दिखते थे, अब दिख रहे हैं। पहले यहाँ पे कहा गया गलियाँ यहाँ की फेमस थी, एक गली से कई किलोमीटर तक का सफर लोग तय कर लेते थे। अब वो गलियाँ जो है हट गई और वो गंगा घाट से जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है स्वयं एकदम बाबा विश्वनाथ जी के धाम तक आएगा। यात्री भी इससे बहुत खुश रहेंगे और यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत खुश हैं। आप कैसे देखते हैं इस नए परिवर्तन? पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कॉरिडोर का भव्य निर्माण करवा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के देख रहे में जो काम चल रहा है काफ़ी विकास के लिए चल रहा है, ये जनता के लिए भी चल रहा है। आपके लिए क्या अनुभव है ये, क्योंकि आप तो इतने वर्षों से हैं लेकिन काशी ऐसा दिखता नहीं था मंदिर पर? नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव है, हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। मोदी जी को इसलिए तो मैं बधाई कर दे रहा हूँ, मैं मोदी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि हमारे तो समाज के लिए जो किए मोदी जी अपने तरफ से सरकार तो कर रही है। उन्होंने नीलकंठ तिवारी जी ने मेरे समाज के लिए बोला भी है कॉरिडोर में स्थान स्थान के लिए भी। देखिए एक के बाद एक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसके साथ जो इसकी भव्यता है, जो इसकी खासियत है मंदिर की, वो ये कि प्रांगण में आपको पहले 5,000 से ज़्यादा लोग नहीं आ पाते थे, अब प्रांगण है, अब उसके अलावा इतने सारे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं और इस भव्य तस्वीर के साथ आपको अब यहाँ पर एक समय पर 1,00,000 लोग यानी 1,00,000 भक्त आएंगे। पहले इतनी भीड़ होती थी लेकिन अब जो भक्त आएंगे वो स्वयं अपने हाथों से जलाभिषेक भी कर पाएंगे। यही है नई काशी की तस्वीर, यही है नई काशी की शुरुआत, यही है नए वाराणसी की नींव, यही है नए वाराणसी की तस्वीर। कैमरा पर्सन सूरज दा के साथ मनोज्ञा लोईवाल।